अबे यार गर्मी हो रही है, छोड़ो जैकेट छोड़ो, आ जाओ चले। ओ बिटा जा बिटाई बिटा ते वसई नूर मुझु तो पुजायू। ओ बिटा जा बिटाई बिटा ते वसई नूर मुझु तो पुजायू। ओ मुझु तो पुजायू मन जो उमेदू, मुझु तो पुजायू मन जो मुरादू। ओ बिटा जा बिटाई बिटा ते वसई नूर मुझु तो बखो यकी आवत हुदा जवाने पातशाहें के नाम सुभाने। ए बखो यकी आवत हुदा जवाने पातशाहें के भाई हम लोग जा रहे हैं, बात कर लूं मैं, मौसम उसामा करता है। हम लोग जा रहे हैं अभी अब्बात शहीद हॉस्पिटल नॉर्थ नाथ, नहीं नाजमाबाद में है ना, कौन सा लगता है नंबर या कोई सा भी लगता है, सबको पता है बात ही का है। वहाँ पे जा रहे हैं और अभी जाके मैं बताता हूँ हम लोग क्यों जा रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। 3:30 बजे उन्होंने बुलाया था हमको और ऑलरेडी 3:30 हो गया और हम अब निकल रहे हैं। सत्ता दिल मेरा मैनू बेदी खबर ना काई अल्लाह अल्लाह भाई। तो मैं अभी अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं इन लोगों को जो है बेसिकली फ्री में ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जितने भी मेडिसिन हैं और जो कुछ भी, लाइक प्रॉपर इंस्पेक्शन करते हैं उसके बाद। और बाकी मैंने अभी मरियम से भी बात की है जो होप्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रेजिडेंट है वो प्रेजेंट, और उसने भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं वो मैं आपको भी अभी बताऊंगा, बल्कि मैं खैर मरियम ही खुद बताते हैं। बाकी ये बहुत अच्छी फिट सीन है यार कि मतलब इतने सारे लोग जो हैं यहाँ पे इस तरह से मेडिसिन के लिए आए हुए हैं, लाइक मैंने और कहीं नहीं देखी ये चीज़ के मतलब हॉस्पिटल के अंदर ही इतना सब फिट सीन हो रहा हो। सो या अप्रिशिएट। क्या नाम क्या है? नाम तो यहाँ पे आप जगह है तू मिल नहीं रहा है तू, ऐसे हर जगह है तू, हर खिजा की शाख पे फूल सा खेला है तू, मिल नहीं रहा की प्रेजिडेंट है और इन्होंने मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे वेलकम किया और बहुत ज़बरदस्त फोटो को दिया, मुझे जैसे आदमी को इज्जत दी है बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे इनके जो सीन है वो बहुत ही ऑन है तो बता दो तुम। अच्छा बेसिकली हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, एनजीओ है, कम्प्लीटली स्टूडेंट रन है, इट गोज बाय द नेम ऑफ होप्स। होप्स जो है एक एब्रिविएशन है फॉर हेल्प ऑफ पेशेंट्स इन एक्सीजेंसी बाय स्टूडेंट्स। इन व्हाट Exigency means emergency. ये हर साल debate होता है कि किसका idea था कि exigency रखे emergency की जगह, you know, लेकिन खैर तो थोड़ा सा abbreviation भी बन जाते हैं और secondly you know इसका थोड़ा symbolic meaning भी आ जाता है hopes। हम लोग सारे के सारे students हैं यहाँ पे, final year से लेके first year तक field cabinet पूरी students की है, president से लेके daily volunteer तक everyone is a student।
ताकि जो है वो कोई इशू ही ना हो कि जो है वो यू नो मैं काम करते करूँ व्हाटएवर. ठीक है. अब ये होता है कि जो हमारा मेन काम है वो है पेशेंट्स को फैसिलिटेट करना इन व्हाटएवर वे वी कैन. ठीक है. तो ये स्टार्ट ऐसे हुआ था कि 25 साल पहले जब KMDC के स्टूडेंट्स KMDC का फर्स्ट बैच जब अपने थर्ड ईयर पहुंचा था. हमारे थर्ड ईयर से ही होते हैं कि हम क्लिनिकल पोस्टिंग से हमारे स्टार्ट होती है, हम हॉस्पिटल में आने शुरू करते हैं. फर्स्ट ईयर से कम्प्लीटली थ्योरेटिकल. तो जब वो फाइनल जो फर्स्ट बैच था वो जब थर्ड ईयर पहुंचा था, उन्होंने देखा कि पेशेंट्स जो हैं वो छोटी छोटी बीमारियाँ उनको, लेकिन वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते उसके मेडिकेशन जिसकी वजह से वो सफ़र कर रहे हैं, वो उनकी डेथ हो रही है साथ ही. उन्होंने अपनी पॉकेट मनी जमा कर करके उनके लिए दवाइयाँ लेनी शुरू की. फिर ये काम ऐसा ऐसा बढ़ा इस तरह से कि जब तक वो स्टूडेंट्स 2 साल बाद फाइनल ईयर में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ठीक है इस काम को जारी रखने हमें, अब जाहिर सी बात है पॉकेट मनी कब तक जमा करेंगे, और वो तो लोगों तो आगे चल जाना था. तो उन्होंने इस NGO का जो है वो सेटअप पूरा इस्टेब्लिश किया, रजिस्टर करवाई और इसका एक पूरा प्रोटोकॉल बनाया कि हम पेशेंट्स को किस तरह से दवाई देंगे जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तब से लेके एंड तक. होता ये कि सारे यहाँ पे डॉक्टर्स को, क्योंकि 25 साल हो चुके हैं यहाँ पे, सारे डॉक्टर्स को पता है कि होप्स क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, किसके लिए करता है. पेशेंट आता है अस्पताल में, ठीक है, और उसकी जो है एक फाइल बनती है, उसमें एडमिशन स्लिप होती है जो कि क्रेडिबिलिटी होती है कि इसका एडमिशन हुआ है. हमारा क्राइटेरिया ये है कि हम सबसे पहले प्रेफर उन पेशेंट्स को करते हैं जिनके यहाँ पे एडमिशन हुआ है. ठीक है. उसके बाद वो पेशेंट्स आते हैं जिनको डिस्चार्ज हो चुके हैं, वो जितनी एक्सेसिव इंफॉर्मेशन है ना, यू फील फ्री टू करे. लेकिन ये मैं ए टू जेड सारा बता रही हूं. हां, वो अच्छा है, अच्छा है, सही है. तो मूविंग ऑन, पेशेंट हमारे पास आता है. हम लोग जो दवाइयाँ देते हैं वो ज़कात के पैसों से देते हैं. ठीक है. हम कलेक्ट करते हैं ज़कात के पैसे. ज़कात होती है, डोनेशन होती है. अच्छा, ये जो भी आप जो आपसे दवाई ले रहे होते हैं उनको पता होता है कि ये ज़कात के पैसे हैं? उन्हें नहीं पता होता. वो जब आते हैं हमें सरप्राइज होता है. हाँ, हम उन्हें बताते हैं कि आपका सबसे पहले हम पूछा आपका करीब से रिश्ता क्या है, क्योंकि ये बातें हम किसी क्लोज रिलेटिव से ही कर सकते हैं. उसका बाप हो गया, उसकी माँ हो गई, उसका भाई हो गया. कभी कभार ये होता है कि दोस्त है, बाप आ रहे होते हैं फाइल लेके कि हमें दवाई दे, तो हम कहते हैं कि नहीं, आप किसी क्लोज रिलेटिव को भेजें, क्योंकि ज़कात की बात आप उसी से कर सकते हैं. आपको पूछना होता है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसके पास अपना घर है कि नहीं है, उसके पास अपनी गाड़ी है कि नहीं है, उसके पास घर में फ्रिज टीवी है, उसके पास ज्वेलरी कितनी है वगैरह. क्योंकि जिसके पास कोई भी ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि वो सेल कर सकते हैं, वो ज़कात वो नहीं दे सकते. बिल्कुल. और ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है कि अभी मेक श्योर कि सही लोगों को जा रही है दवाई. तो इस तरह से हमने काउंसिल करते हैं. वी कॉल दिस प्रोसेस काउंसिलिंग. जो आपने प्रोसेस देखा भी अभी 41 रूम नंबर 41 इसको ये रूम नंबर 41 बोलते हैं. और छोटा सा जो कमरा था कॉरिडोर के एंड में वो बेसिकली रूम नंबर 41 है. वो जब होप शुरू में बना था तो हमें ख्याल के तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिल गया था कि हम लोग यहाँ पे कर लो. आप रूम देख रहे हैं कितना छोटा सा, और बाकी हॉस्पिटल देख रहे हैं 4 फ्लोर्स हियर 4 फ्लोर्स हियर. तो हमें 37 जगह मिली हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेट करने के लिए कि आप यहाँ पे बैठ के दवाइयाँ दे दो, जो काम करने कर लो. ये बहुत क्रिटिकल इशू आते हैं क्योंकि NGO के नाम से भी बहुत पीछे हो जाते हैं. ये बहुत इशू फेस करना पड़ता है NGO का नाम से. बैंक अकाउंट में मसला होता है, हमें डोनेशन में मसला होता है, हमें इसमें मसला होता है, मसला होता है, बहुत इशू होते हैं. मतलब कि हम किसी के पास भी जाते हैं ना कि आप अपनी ज़कात नहीं देते, तो वो कहते हैं अच्छा तुम लोग हो कौन. हम कहते हैं स्टूडेंट फ्रेंड NGO पैसे हमें सीरियसली नहीं लेते ना. देखो हम भी रमजान में कर रहे होते हैं, वैसे भी करते हैं, तो हम भी इतना लोग सीरियसली लेते हैं. अच्छा, आप अच्छे से नहीं लेते. हम लोग मतलब खुद करते हैं. हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन के नाम बेबी खबर ना काई अल्लाह अल्लाह रत्ता दिल मेरा उनको जो है वो एक फॉर्म बना के देते थे कि आप ये फॉर्म ऊपर डॉक्टर से भरवा करना है. फॉर्म बनाने का मकसद ये होता है कि यहाँ पे क्योंकि दवाई आपको वार्ड में नहीं मिलती होती, तो जैसे जैसे दवाई के डॉक्टर देखते हैं अच्छा इसका ये डाउन है, इसका ये है, इसको ये दवाई लिखनी है, वो उसको पर्ची बना के देते हैं कि दवाई लेकर आओ. तो यहाँ के सारे डॉक्टर्स एजुकेटेड हैं कि जब फॉर्म आता है तो उसको आपके किस तरह से डील करना है. उसमें पूरा लिस्ट लिख के देते हैं पूरे दिन की दवाई इंस्टेड ऑफ पर्ची 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 पर्ची. तो हमें पूरे दिन की दवाइयाँ साथ देते हैं.
और इसमें होता है कि जो न्यू पेशेंट्स होते हैं जो प्रीवियसली काउंसिल नहीं होते या जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि खुद नीचे नहीं आ सकते थे मेडिसिन लेने, हम उनको बेड पे जाके देते हैं टू इंश्योर कि वो सही बंदे तक पहुंच रही हैं और सही तरह से यूटिलाइज हो रही है। और सेकंड ये भी होता है कि अक्सर दवाइयाँ सिरप्स वगैरह बच्चे पे होते हैं तो वी मेक श्योर कि नो वो डिस्पोज हो जाए, बिल्कुल वो सही टाइम पे सही दवाई मिल जाए। मेरे पास इंटरव्यू मेडिकल से किया। अच्छा अच्छा, अब क्या बेटा? मैं जर्नलिस्ट। अच्छा सही है, ठीक है। करके निकल गए वहाँ से। हरी भाई को भूख लग रही है अभी, हम खाएंगे। क्या खाएंगे? दाल फ्राई। दाल फ्राई और बन कबाब। भाई बन कबाब और उसके बाद ड्रोन उड़ाएंगे। भाई ड्रोन लिया है, शो ऑफ तो करूंगा, बात बात के उड़ाऊंगा बाहर आती है। ओ बेटा जा बेटा आई बेटा ते बस। भाई आने वाला बर्गर आ गया, बता चुका हूँ खाते हुए दिखाना ला रही है। ट्रेनिंग के हम गाइडों की तरह खाते हैं, ट्रेनिंग के हम कमीन से खाते हैं। तो इसके बाद भाई खा खा के ट्रैफिक से घूम घाम के एथन भाई की छत पे आ गए। अब इसे उड़ाएंगे हम। और वैसे तुमने धोखा दिया है ना, छत का बोल के गैलरी में ले आए। अरे हमारे बको यकी आवत खुदा जाने पातशाहें के नाम सुभाने। ए बको यकी आवत खुदा जाने पातशाहें के नाम सुभाने। कहार अगर भी जोर जोर माने मेरा भी तरही मुरहमाने। ए बको यकी आवत खुदा जाने पातशाहें के नाम सुभाने। अल्लाह अल्लाह जत्ता दिल मेरा